हेलो व्यूवर्स, आज हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, तो सोचा इसको थोड़ा से देखें कि क्या कर सकते हैं इसमें, आपको क्या बता सकते हैं। व्हाट इज इट बेनिफिट एंड लेटेस्ट ट्रेंड, क्या है और इसके क्या बेनिफिट हैं और इसके क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं। Affiliate marketing is a kind of performance-based marketing that is used to earn a commission or profit promoting the product and services of other business. Increase sales and website visitor by the marketing effort taken by affiliate, as well as a target the same audience through product recommendation. Affiliate may be individual or companies who market the product or companies for the commission. सिंपल सी बात है कि किसी के प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हैं किसी ब्लॉग वेबसाइट या लिंक के थ्रू, और उसमें जब वो बिक जाता है तो आपको कमीशन देता है, और उस कमीशन से आप अर्निंग करते हैं और आप उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, रेफर करते हैं, और यही एफिलिएट मार्केटिंग है, जिसमें आपको अपना खुद कुछ नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, केवल उनके लिंक बनाने पड़ते हैं और उनको भी आपको कुछ नहीं देना पड़ता जब तक कि आपका आप उनके प्रोडक्ट उनका प्रोडक्ट सेल नहीं जाता है। तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो इसमें चार तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं, चार पार्टीज होती हैं। एडवर्टाइजर होता है, पब्लिशर होता है, मर्चेंट होता है, सेलर, ब्रांड, वेंडर, रिटेलर होता है और कंज्यूमर होता है। तो जो खरीदता है और जो बेचता है और जो पब्लिश करता है लिंक को, एफिलिएट करता है और एडवर्टाइज करता है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जिसको आपने लिंक दिया है सेल हो जाए, और जब वो सेल हो जाता है तो आपको उसके एवज में कमीशन मिलता है उस कंपनी से जिसका प्रोडक्ट आपने लिंक के थ्रू सेल किया किसी कस्टमर को। तो कुछ इंटरेस्टिंग बात है एफिलिएट मार्केटिंग की, जिसके थ्रू हम लोग इसको करने में इंटरेस्ट रखेंगे। एफिलिएट प्रोग्राम्स जनरेट अ 15-30% ऑफ ऑल सेल्स ऑन एवरेज ऑफ एडवर्टाइजर। जितने भी एडवर्टाइज होते हैं उसका 15-30% जो होता है वो एफिलिएट प्रोग्राम से जनरेट होता है, और मोर देन 35% ऑफ एफिलिएट अर्न $20,000। ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले लोग $20 तक कमा लेते हैं। ओवर 50% ऑफ एफिलिएट रिफर्ड ट्रैफिक कम्स फ्रॉम मोबाइल डिवाइस, और जिसमें से 50% जो है शॉर्ट्स के थ्रू आता है। तो अगर हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग को शॉर्ट्स पे लाएं तो हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली बेच पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट्स को आजकल यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करता है। 81% of marketers and 84% of publishers leverage affiliate marketing. The search interest for affiliate marketing grew by 44% in less than a year. एक साल में कम से कम 44% affiliate marketing जो होती है वो बढ़ जाती है। Amazon Associates platform is the biggest and successful online affiliate marketing program in the world with over 9 lakhs members. और अमेज़ॉन इसमें सबसे बड़ा है, जिसके 9 लाख मेंबर हैं। अमेज़ॉन ऑफर्स क्रिएटर रेट रेंजिंग फ्रॉम 1-10% ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू सिंस 2017। अब 2007 से अमेज़ॉन ने क्रिएटर्स को 1-10% का रेवेन्यू देने को बोला अगर उसका प्रोडक्ट बिक जाता है। It enables webmaster and blogger to earn commission through product promotion that are being sold by Amazon store. Amazon store से अगर blogger और webmaster अपने उसके product को बेचते हैं तो उसको 1-10% तक commission मिलता है। Affiliate marketing is a potential money making technique that provides capability to add a special link to the product and service in the content. द बेनिफिट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, तो उसका बेनिफिट क्या है। द मेजर आइडिया ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इज टू प्रमोट अदर पीपल प्रोडक्ट एंड सर्विस थ्रू एन एफिलिएशन। जैसा कि अभी हमने बताया कि मेन काम इसमें ये होता है कि आप दूसरे के प्रोडक्ट को प्रमोट करिए। दैट रिजल्ट
इन अर्निंग रिवॉर्ड और कमीशन फॉर ईच कस्टमर बाइंग द प्रोडक्ट। जैसे जैसे कस्टमर बाय करता जाता वैसे वैसे आपके कमीशन की अर्निंग बढ़ती जाती है। तो इसमें एफिलिएट मार्केटर्स मेक पैसिव इनकम, तो इस तरह से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर लेते हैं। एफिलिएट्स कैन बूस्ट बिजनेस रेपुटेशन एंड ब्रॉडन ऑडियंस, और जब आप उनके प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो आप उनके बिजनेस के रेपुटेशन को बढ़ाते हैं और उनके ऑडियंस को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि वेबसाइट और ब्लॉग ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब में देखा जाता तो ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। इट गिव बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न होता है। जो प्रोडक्ट अमेजोन देता है उस पर रिटर्न अच्छा होने लगता है क्योंकि ज़्यादा लोग उसको कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव, अब क्योंकि आप तब तक किसी को पेमेंट नहीं करते हैं, अमेजोन तब तक नहीं करता जब तक कि वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, और आपको तब तक कमीशन नहीं मिलता जब तक कि वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। तो ना आपको कुछ देना पड़ता है ना उसको कुछ देना पड़ता है। तो इस तरह से कॉस्ट अमेजोन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि उसको केवल कमीशन देना पड़ता है उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग स्केल वेबसाइट ट्रैफिक रैपिडली, और इससे क्या होता है आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जल्दी जनरेट हो जाता है। सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग आर मर्चेंट रिसीव इमीडिएट एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अब ज़्यादा दिनों तक उसको एफिलिएट मार्केटिंग से चीज़ें मिलती हैं। द एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम क्रिएट्स एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर प्रोडक्ट ओनर एंड वेबसाइट पब्लिशर, तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है उसको भी बेनिफिट होता है और वेबसाइट पब्लिशर जो होता है जिसके वेबसाइट पर लिंक आप डालते हैं उसको भी बेनिफिट होता है। मर्चेंट गेन अ ह्यूज नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इन नो टाइम, और कुछ ही समय में उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि उसका विदाउट एडवर्टीजमेंट काफ़ी लोग वेबसाइट से प्रोडक्ट देख लेते हैं। गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ क्लाइंट रिलेशनशिप, और क्लाइंट से रिलेशनशिप वेबसाइट के थ्रू बनाना बहुत ईजी हो जाता है। 76% ऑफ पब्लिशर स्टेट दैट केस ऑफ मोनेटाइजिंग इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग, और वेबसाइट का मोनेटाइजेशन जो होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बड़े फास्ट होता है, चाहे वो वीडियो पे हो चाहे वेबसाइट पे हो, आपका मोनेटाइजेशन जल्दी होता है। एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स, सम ऑफ द टूल्स यूज इन एफिलिएट मार्केटिंग आर एड स्पाई, वॉल्यूम, बीम ऑफ, बाइनोम, रेड ट्रैक, एड्स ब्रिज, ड्राइव ट्रैक, साइड ग्राउंड एंड मनी मूवर। एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंड्स, अब एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रेंड्स क्या है, किस किस ट्रेंड में ज़्यादा बेनिफिट है। फाइव बिगेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंड्स दैट आर एंटिसिपेटेड टू चेंज इंडस्ट्री शॉर्टली इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। पहला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। A social media influencer can reach target audience more quickly through blog and article. They give paid by the brand to promote their business to the customer. अब जो लोग influencer होते हैं उनकी जान पहचान ज़्यादा होती है तो उनका वो product को जल्दी लोगों तक blog के through या video के through पहुँचा देते हैं। Influencer marketing can build trust and drive engagement with increased click through the key performance indicator. Establishment as a big influencer are expensive depending on brand. अब influencer भी कई तरह के होते हैं और जिसकी जितनी अधिक पहुँच होगी उसका उतना ज़्यादा की performance indicator establish होगा। तो इसमें nano influencer, micro influencer और popular influencer different type है, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट से शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, अब बहुत से लोग होते हैं बोल करके एडवर्टाइज करते हैं जिससे कि उनके प्रोडक्ट का ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। इट इज़ अ क्रिटिकल फॉर बिजनेस टू ऑप्टिमाइज देयर वेबसाइट फॉर क्रिएटिंग वॉइस कमांड फ्रेंडली content and stay ahead of competitor in affiliate marketing with an efficient voice search optimization technique.
वॉइस के थ्रू जो आप ऑप्टिमाइज करते हैं किसी प्रोडक्ट को, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, आप उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं। नेटिव एडवर्टाइजिंग, इट इज़ यूज इन कंटेंट प्रमोशन, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड वेबसाइट ट्रैफिक जनरेशन थ्रू एडवर्टाइजर प्रोडक्ट एंड एफिलिएट लिंक। अब अगर आप उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं तो आपका अफिलिएट लिंक के थ्रू तो वो ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव होगा। कीवर्ड रीच रिव्यू एंड रिव्यू साइट्स, कीवर्ड रीच प्रोडक्ट रिव्यू प्ले अ वाइटल रोल इन अफिलिएट मार्केटिंग। विजिटर सर्च फॉर रिव्यू और टेस्टिमोनियल ऑफ प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी टू मेक अ परचेज, एंड द स्ट्रॉन्ग रिव्यू एंड रिव्यू साइट्स विल बी कंटिन्यू टू बी बिग ट्रेंड इन अफिलिएट मार्केटिंग। अब रिव्यू क्या है, जिसके बारे में ये पता रहता है कितने लोगों ने खरीदा, किस तरह का प्रोडक्ट है, उसमें कमेंट्स रहते हैं, लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा रिव्यू में दिया रहता है। तो जिससे आदमी जल्दी इम्प्रेस होता है और वर्ल्ड को प्रोडक्ट को खरीदता है। डेटा ड्रिवन मार्केटिंग, दीज आर डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी यूज बाई पब्लिशर टू कलेक्ट विजिटर डेटा। दिस डेटा कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग कॉन्टेंट एंड प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अब वो डेटा क्या कलेक्ट करता है कि किस टाइप की प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है, किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, किसको कम लोग पसंद कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी लिंक को लगाइए जिससे कि प्रोडक्ट लोग जल्दी खरीदें। बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें एफिलिएट मार्केटिंग ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसमें से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अर्ली एक्सप्रेस, वी कमीशन, ईबे, हॉर्स गेटर एफिलिएट, एडमिटेड, नियर बाय एफिलिएट, गो डैडी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करती हैं, इसमें से हमने कुछ आपको बताई है। इज एफिलिएट मार्केटिंग इजी, तो क्या एफिलिएट मार्केटिंग इतनी इजी है कि पैसा कमाया जा सके? उसको सेट करना तो इजी है लेकिन इतना इजी नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। उसको भी बिल्ट अप होने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि जब आपको लोग जानने लगते हैं तब आपकी एफिलिएट मार्केटिंग पॉपुलर हो पाती है और आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं। व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल नीच फॉर एफिलिएट मार्केटिंग इन 2022? तो कौन सी ऐसी नीच है जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग का काम करें तो जल्दी वो हमको बेनिफिट दे? इसमें से सबसे पहले हॉबी नीच, मनी नीच। हॉबी नीच में फोटोग्राफी, ट्रेवल, स्पोर्ट, इवेंट, टिकट, कैसिनो आता है। मनी नीच में डेट सेटलमेंट, बिटकॉइन इन्वेस्टिंग, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज, ये सब आता है। हेल्थ एंड फिटनेस में वेट लॉस, फिटनेस, योगा और ऑर्गेनिक में लोग बहुत अपने कॉन्शियस हो चुके हैं फिटनेस के लिए, तो उस पर जा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल पे आ रहा है लग्जरी, ट्रेवल, ऑनलाइन डेटिंग, एयरलाइंस, फैशन, ज्वेलरी पे आ रहा है। होम एंड फैमिली नीच में होम सिक्योरिटी, कॉफी, बेबी प्रोडक्ट्स, डॉग और गार्डनिंग, इस सब पे आ रहा है। लोग देखिए मार एनिमल्स पे शॉर्ट्स बना रहा है, उनका चल रहा है। टेक नीच में वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएन, सैस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, ये सब पर आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो ज़्यादा चल रहा है। और अल्टरनेटिव नीच जो है सीबीडी, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑयल है, मैरिजुना एसेंशियल ऑयल, हर्बल, पर्सनल डेवलपमेंट पे आ रहेगा। सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल यूटिलिटी में सॉफ्टवेयर इज यूज्ड ऑलमोस्ट एवरी प्रोफेशन, तो सॉफ्टवेयर की भी बहुत डिमांड है। गेमिंग में आपका आजकल देख ही रहे हैं, वर्चुअल ढंग से आदमी रियल लाइफ में जी करके गेमिंग को खेल रहा है। स्वीप स्टेक्स, ई कॉमर्स, डाइटरी सप्लीमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक एंड फाइनेंस, इस तरह की न्यूज पे आप काम कर सकते हैं। ये तो हमने आपको ये सब कुछ बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग के क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन सी कंपनी है, उसको करना आसान है कि नहीं है, और कौन कौन से नीच पे आप काम करें कि आपको बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ हमने बता दी। अगर आपको ये
मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर सकते हैं अर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें जो कमीशन मिलता है वो आपको सिर्फ उसमें लिंक बनाना पड़ता है और अपने वीडियो या ब्लॉग या वेबसाइट पर उसको पोस्ट कर दिए, सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप प्रोडक्ट को बेच कर कमीशन की अर्निंग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इन्फॉर्मर। थैंक यू एंड फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक टू गेट द लिंक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग इन फ्यूचर। जस्ट आई इंट्रोड्यूस इट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, go to the community, comment there and please subscribe. Thank you.